खबर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद से, जहां पर आरोप लगा है कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा क्षेत्र के कम पढ़े लिखे लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। जहां बजरंग दल की सूचना पर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची और मौके पर बिना अनुमति ईसाइयों की प्रार्थना सभा आयोजित करने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि प्रार्थना सभा के आयोजन के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि अयोध्या कोतवाली के दर्शन नगर विद्या कुंड मार्ग पर ये प्रार्थना सभा हो रही थी। प्रार्थना सभा में धर्म परिवर्तन के प्रयास के आरोप हिंदू संगठनों ने लगाए हैं, जिसमें करणी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनी सिंह ने जिला प्रशासन और सरकार को घेरते हुए बताया कि अयोध्या में धर्मांतरण हो रहा है। संगठन तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और सरकार की होती है कि इस तरह के धर्मांतरण को रोका जाए। हमारा मुख्यमंत्री से और जिला प्रशासन से निवेदन है कि राम की नगरी अयोध्या में धर्मांतरण बंद किया जाए। देखिए, करणी सेना तो है ही है, साथ में हमारे जो है जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो भी इस पे कार्य कर रहे हैं। बजरंग दल हुआ, आरएसएस हुआ, विश्व हिंदी परिषद है, ये सब मिल करके कार्य कर रहे हैं इस पे। और आज से नहीं, ये कार्य कम से कम 4-5 सालों से चल रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये धर्मांतरण हो रहा है, इस पे जो संगठन तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो पुलिस प्रशासन की होती है और सरकार की होती है। सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन कभी ईसाईकरण पे जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उस पर कभी बात नहीं करती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गौर करें। हिंदुस्तान के नक्शे को आप उठाएंगे तो दक्षिण में आप जाएंगे पांडिचेरी, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, ये सब जो है 98% जो है धर्मांतरण हो चुका है उन देशों उन क्षेत्रों का। 37% आबादी हो चुकी है इनकी जो है, और आज नहीं 50 साल बाद स्थिति ऐसी होगी कि हिंदू कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम छोड़ करके थोड़ा इस पर भी ध्यान दिया जाए, सरकार से मेरा ये निवेदन है। अच्छा, ठीक है, हिंदू को टारगेट मुख्यमंत्री से मिलना क्या है, आप मीडिया हैं, आपके माध्यम से वहाँ तक बातें पहुँचें। अब हर चीज़ के लिए मुख्यमंत्री से मिलना ही पड़े तो फिर कोई मतलब वही नहीं है। ये कोई छोटा मुद्दा तो है नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये माननीय मुख्यमंत्री तक वैसे पहुँचना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए सबके खिलाफ। और कोरोना धर्मांतरण हुए उस दौरान भी हमने इस पर आवाज़ उठाई, उसमें भी पुलिस ने लीपापोती की, थोड़ी बहुत गिरफ्तारियां हुई, सब जेल गए, फिर मामला वही स्टार्ट हुआ। इस बार क्या है कि विद प्रूफ सारी चीज़ें इकट्ठा हुई और काफ़ी दिन से डिटेलिंग चल रही थी इसकी, और उसकी जानकारी हमने LIU को दिया भी था। और जो है उस पर कार्रवाई जो भी है, मैं कुल मिला के ये चाहता हूँ कि धर्मांतरण पूर्ण रूप से बंद हो। और मुझे अपने जिला के प्रशासन पर, माननीय कमतासाथ पर पूरा विश्वास है कि वो इस पर जो है कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ, और धर्मांतरण अपने अयोध्या से कम से कम बंद हो। जहाँ पे ये धर्म नगरी है तो यहाँ पे धर्मांतरण पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि धर्मांतरण बंद ही नहीं होना चाहिए, इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, इनकी पूरी तरीके से डिटेलिंग होनी चाहिए कि इनको ये जो धर्मांतरण करा रहे हैं किस बेस पे करा रहे हैं, किसके माध्यम से करा रहे हैं, कहाँ से इनकी मेन इनका जड़ कहाँ है, उस जड़ को समाप्त करना है सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से कि इस पे कार्य करें, इस पे इसको इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक लें, और केवल अयोध्या में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस जो ये चल रही है, इनकी जो ये रणनीति चल रही है हिंदुस्तान को खोखला करने की, इस पे उचित कार्रवाई करें। ये जो धर्म परिवर्तन चल रहा था, ये अयोध्या जैसी जगह पे ये धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा था आज, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है। और दर्शन नगर में ये इस तरह का कार्यक्रम हुआ, ये बहुत ही कह रहे हैं कि यहाँ के जो दीपक जी हैं और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, सभी लोगों का सहयोग रहा, और लोगों ने जा करके वहाँ पर कम से कम 120 से 150 के लगभग की संख्या थी, वो लोग बैनर लगा करके बाकायदा बाइबल रख करके वहाँ पर धर्म परिवर्तन हमारे हिंदू भाइयों का करवा रहे थे। और इसमें क्या नाम है कि जो भी मशीनरी यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, उदयराज जो क्या नाम है यहाँ पे पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन आज जो सफलता मिली वो वास्तव में क्या नाम है कि विश्व हिंदू परिषद की वजह से, बजरंग दल की वजह से, दीपक जी की वजह से काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। और इस पर निश्चित रूप से क्या नाम है बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि अयोध्या जैसी जगह पर ये पूरी मशीनरी एक काम कर रही है जो इसको टारगेट कर रही है अयोध्या को, क्या नाम है किसी भी तरह क्या नाम है कि वो करने के लिए। और ऐसे जगह पर क्या नाम है कि प्रभु श्री राम का जब लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वो लोग अमर्यादित माता को गाली दिया, अमर्यादित ढंग से क्या नाम है कि उस पे गाली दे रहे हैं, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हम कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से कि इस पे कठोर से कार्रवाई करें। सुख संख्या बैठी हुई है घर में उनके, उदयराज चौहान है उनके घर में, सब लोग बैठे थे जगह का स्थान। ये मामला दर्शन नगर बाजार
साई का पुरवा। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर हम लोग गए तो बैठे हुए थे लोग, तो हमने कैमरा चालू कर वीडियो बनाने लगा, तो हमने उसमें सुना कि ये कह रहे थे कि यीशु मसीह सर्वोपरि हैं, हिंदू देवताओं का अभद्र तरीके से अपमान कर रहे थे, बोले उनके अंदर कोई पावर नहीं है, उनको काल्पनिक बताया जा रहा था, वास्तविक जब हमने बोला कि आप लोग, वो बोले कि मुंडन कार्यक्रम चल रहा है, जब हम लोग वीडियो बनाया तो बोले मुंडन कार्यक्रम चल रहा है, वही हम लोग जुटे हैं, हमने मुंडन कार्यक्रम चल रहा है तो यहाँ पे पंडित कहाँ हैं, धार्मिक हमारी पुस्तकें कहाँ हैं, तो बोले कि हमारा धार्मिक पुस्तक बाइबल है, हम इसी से करवा रहे हैं। हमने बोला भगवद गीता क्या है तब, तो बोले भगवद गीता काल्पनिक है, वहाँ की महिलाएं आक्रोशित हो गई तुरंत हम लोग भगाने लगे, आप लोग कैसे आ गए कैसे आ गए, हम लोग तो निवेदन किए माता जी आप लोग से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आप लोग का ब्रेनवास किया हमें उससे दिक्कत है, इतने बुरे तरीके से ब्रेनवास हुआ था कि हम जय श्री राम बोले कि जय श्री राम जी आपके लिए कुछ नहीं है, तो उनका तक एक औरत ने गाली दिया, उसका भी वीडियो हमारे पास है, हमारे देवी देवताओं को वहाँ पे गाली भी दिया गया। पुलिस प्रशासन के लोग पहुँचे तो उदयराज जी को और उनके लड़के थे जो लोग उसमें मुखिया थे उनको लेके आए, और फिर पूरी महिलाएं भी साथ में आईं कि हम लोग भी थाने पे चलेंगे, और कुछ महिलाएं ऐसे कह रहे हैं कि हमको फीस भी मिलता है 1,00,000 रुपए देते हैं, हमारी बच्ची भी वहाँ सही हुई है तो हम उनको मानते हैं, हमारी बच्ची स्वस्थ हुई है, एक लोग अपनी बच्ची को ले गए थे और थाने में मतलब एसओ साहब के सामने प्रस्तुत भी किए थे। हमारा नाम है हनुमंत। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर के लिए संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।